जिलाधिकारी सी इंदुमती कलेक्ट्रेट से निकलते ही विकास भवन के पहले दुकान पर लगी भीड़ को देखते ही गाड़ी से उतरकर वहां पर उपस्थित लोगों को समझाते हुए कहा कि मास्क लगाएं, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दुकानदार को हिदायत देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो, अगर नहीं सुधरोगे, जनता को जागरूक नहीं करोगे तो दुकान बंद करा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ये हम आप सभी लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ, सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा उसकी दुकान बंद करा दी जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज के पास सटी दर्जनों दुकानदारों को गाड़ी से उतारकर हिदायत देते हुए कहा कि सभी दुकानदार मास्क लगाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहां पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है और मास्क नहीं लगाता है तो उसकी दुकान को तुरंत बंद करा दिया जाएगा। बस स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को रोककर मास्क लगाने की हिदायत जिलाधिकारी ने दी। उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर, क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर और प्रभारी निरीक्षक ने दो कोरोना पॉजिटिव केस वाले गांव का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सदरपुर गांव में 13 मई को मुंबई से चलकर गांव पहुंचे दो सगे भाइयों को प्राथमिक विद्यालय दलित बस्ती सदरपुर में प्रधान प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश उर्फ रोहित सिंह ने क्वारंटीन कराया था। 17 मई को भेजे गए सैंपल में दोनों सगे भाइयों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों ने सदरपुर गांव पहुंचकर गांव को सील कर कंटेनमेंट घोषित कर दिया था और बैरिकेडिंग पर पुलिस को तैनात कर दिया गया था और पूरे गांव को फायर ब्रिगेड के वाहन ने पहुंचकर सैनिटाइज किया। कोरोना की पुष्टि होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम भी गांव में चौकसी बढ़ाकर सर्वे करने में जुट गई है। बुधवार को जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी राम अवतार और जयसिंहपुर क्षेत्राधिकारी दलवीर सिंह के साथ जयसिंहपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह कंटेनमेंट जोन और सील किए गए गांव सदरपुर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम ने गांव के लोगों को शारीरिक दूरियां बनाकर रहने और गांव में ठेले द्वारा बिक्री हो रही साग सब्जियों की जानकारी लेते हुए सभी को फेस कवर लगाने की बात कही। वहीं बैरिकेडिंग पर तैनात पुलिस के जवानों का सीओ दलवीर सिंह ने जायजा लिया और गांव के बाहर जा रहे व्यक्तियों से सघनता से पूछताछ की, अति आवश्यक कार्य से ही बाहर जाने की अनुमति देने की बात कही। खबर शिवगंज से है, जहां शिवगंज पंचायत समिति के अधीनस्थ दुबराना और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलदरी में वैश्विक कोरोना महामारी में कर्मवीर योद्धा के रूप में सेवा देने वाले ग्राम विकास अधिकारी तिलक मीना केसरपुरा ने बुधवार को अपना जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया। उन्होंने यादगार स्वरूप कलदरी पंचायत परिसर में पौधारोपण किया और उसके बड़ा होने तक सारा संभाल की जिम्मेदारी ली। जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पर पर्यावरण प्रेमी और युवा पार्षद प्रकाश राज मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी तिलक मीणा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। बिहार के सहरसा में दो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ 11 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 11 लोगों को जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने शुभकामनाएं देते हुए विदाई दी और उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि फिलहाल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 61 हो गई है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 23 हुई है। फिलहाल जिले में एक्टिव केस 38 है। आज सुबह सुबह दो और पॉजिटिव केस आए हैं जिसको हम लोग अभी चेक कर रहे हैं आइसोलेशन में। उसके अलावा 11 और पॉजिटिव केस का सैंपल भेजा गया तो नेगेटिव आए हैं, उसको अभी डिलीट किया गया है, एक खुशी की बात है। और अभी टोटल पॉजिटिव एक्टिव केस जो जिले में 38 है, जिनका भी जो पॉजिटिव सैंपल आया है उसके 5 दिन के बाद हम लोग सैंपल फिर से लेके जाँच के लिए करेंगे। यदि नेगेटिव आएगा तो छोड़ेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पुनः इनको सैंपल के लिए दोबारा दिखे जाएंगे। कुल मिला के ही स्थिति है, मेरा पुनः सभी जिलावासी से अनुरोध रहेगा कि अभी घर में रहें, कोरोना संकट अभी बरकरार है, सुरक्षित रहें घर में ही, नवस्थे बाहर नहीं जाएं, ताकि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें। खबर सिरोही जिले के शिवगंज से है, जहां शिवगंज शहर के 3 पत्रकारों का जयपुर में महावीर खादी ग्राम उद्योग समिति के अध्यक्ष और मंत्री द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। जागरूक टाइम के संवाददाता जैसाराम माली, एसएल न्यूज चीफ एडिटर महेंद्र कुमार माली और संजीवनी टुडे समाचार पत्र जिला सिरोही ब्यूरो चीफ हेमंत अग्रवाल शिवगंज को सम्मानित किया गया। बेलदौर नव जागृति शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करते ही छात्र छात्राओं में नया जोश आ गया। नव जागृति शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी लाकर अपने कोचिंग और गांव का नाम रोशन किया।
उत्क्रमित उच्च विद्यालय माली में आदेश कुमार ने 375 अंक लाकर विद्यालय में टॉप किया, जबकि दिलखुश कुमार ने 344 और मनखुश कुमार ने 331, शांत कुमार 316 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मौसम कुमारी, अनुपम कुमारी, पूजा कुमारी, बिट्टू विराज, स्मृति कुमारी, अंजलि कुमारी, काजल कुमारी ने शीर्ष अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नवजागृति के डायरेक्टर गिरीश रंजन ने बताया कि कठोर मेहनत और परिश्रम के कारण सभी छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण किया। क्या नाम हुआ आपका? मौसम कुमारी। कौन सा डिवीजन पास हुआ है? अच्छा, तो तुम जो फर्स्ट डिवीजन किया है मैट्रिक, इसके पीछे जो है तुम किसको श्रेय देती हो? अपने माता पिता और टीचर को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अब की बार जो तुम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया है तो किसको श्रेय देती हो? अपने माता पिता और गुरु। क्या कहना चाहती हो उन लोगों? बहुत अच्छा। तुम जो मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीजन, माता पिता और शिक्षक को किस तरह का श्रेय देना चाहते हो? क्या मदद मिला उन लोगों से? सबसे पहले मैं माता और पिता को धन्यवाद देता हूँ और हमारे शिक्षक नवजागृति शिक्षा संस्थान की ओर से हमको बहुत पढ़ाई को मेहनत किया और हम खुद मेहनत किए, इसीलिए हम सफल हैं। क्या नाम हुआ? आदेश कुमार। घर? मालिक। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश कुमार। आप कहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे इससे पहले? नवजागृति शिक्षा संस्थान माली में। जी। आपका गुरु जी का क्या नाम हुआ? गिरीश सर, मनोज सर और अर्जुन सर। अच्छा, इन लोगों का जो किस तरह का सहयोग रहा आपको जो फर्स्ट डिवीजन आप किया मैट्रिक? इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ये लोग कड़ी मेहनत किए और हम भी कड़ी मेहनत किए, इसी का सफलता हमको मिला। कौन सा डिवीजन किया है? फर्स्ट डिवीजन। कितना मार्क है? 344। आपके शिक्षण संस्थान का बच्चे फर्स्ट डिवीजन किया है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं बच्चे लोगों को? सबसे पहले लाइनमैन पोल के तारों में झूला, लाइनमैन जलकर राख हुआ, मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना किरतपुर के उमरी इलाके का ये पूरा मामला है।